आप मन के बीच में दंत कथा के रूप में कर्ण शादी प्रस्तुत करा था। कोई भी प्रकार के त्रुटि के लिए क्षमा चाहत हूँ। जो महाभारत में तो नई कथे सिन सुन के सियान मन के मुँह से इसे सुने हन, एला लबेद कथा कहे जथे, तो आज एक कर्ण शादी आपके बीच में प्रस्तुत करत हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भैया एक दिन हस्तिनापुर में बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े प्रजा, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े गुणवान बुद्धवान बैठे रही। जहाँ करण है, द्रोणाचार्य है, अश्वत्थामा है, कृपाचार्य, कृतवर्मा, सोमदास, भूरी सरवर, और वहां बैठे है विदुर, भीष्म पितामह, सब है द्रियोधन मन बैठे है। द्रियोधन मन के भाई रही सौ भाई, एक जन बहिनी, अब एक ठंडाई के घर भले जन्म ले। धन्य है वो दाईला जे भैया 101 लड़का उत्पत्ति करी, वो कर दाई ले ज्यादा धन्यवाद वो कर दादा ला जे है 101 बेर छठी उठाई। जीते आजकल के दादा मन छठी करे में कौआ जती, थोड़ा कर ले कहेगा 101 वहू एक दाई के घर भले और एक दादा के कृपा से। जेमे सबले बड़े के नाम रही द्रियोधन, महिला के नाम दुशासन। अरे 100 लड़का कतेक महिला बतावे, दुए थल्ला बता सकता। शुरू के है बड़े ये, आखरी के है छोटे ये, तहन टोटल 98 ठन है महिला। तो सबले बड़े के नाम द्रियोधन, दुशासन, दुर्जन, दुसाह, दुर्मुख, विक्रण, सोम, सर्वर, सर्मार्थ, श्रुति, कृति, विदुरक, विद्वार्थ, हलाम्बुस, क्रेतु, धेतु, विश्वकर्म, विकर्ण, युत्यसु, हफरासी लागिल एकक नाग बना। ये जना बेटी एगो बड़ा दुलौरी बेटी, वो बेटी के नाम रही दूसरा। ये मुझमो जना वो हम बैठल ये जम्मो जना वो हम ये बैठल ये जम्मो जना वो हम ये बैठल। जे समय में द्रोणाचार्य गुरु हा कौरू या पांडु मला पढ़ात लिखात रही, जे दिन कौरू पांडु मन के परीक्षा चलत रही, उही बीच में ये करण है आके कौरू मन सन सम्मिलित। ये कौरू या पांडु मला द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जी पढ़ात रही, करण ला महागुरु परशुराम पढ़ात रही। परशुराम के आश्रम में पढ़े है करण है। वहां ले पढ़ ली के भैया अपन सर्टिफिकेट धर के वो हस्तिनापुर धरात रहे, अंग सूची धर के गा।
ता यहां भी परीक्षा चलत है हस्तिनापुर में। वो मैं यहां के करण सम्मिलित हो गए। तो संत मन बताते जो ज्ञान करण करो रही सुतका यकन ज्ञान अर्जुन करो निरी। जब करण अर्जुन के वो स्कूल में परीक्षा चली तो करण विजय हो गए, अर्जुन पराजय हो गए। यदि ये लाद्री योधन अब देखा ना लागे, अर्जुन करण के शक्ति करण के गुण करण के ज्ञान लद्दाख के राजा दुर्योधन करण सन मितान बैठ गया। मितान केकर सन मितान बदना उचित थे। अमितान बद के वो करण ला यंग देश के राजा बना दिस। ए मितान एक यंग देश लम के में तोला राजा बना दे राज्य कर। ये दे राजा दुर्योधन भैया गा, ये लड़का हां मोरे गर्भ ले जन्म ले कस लागा थे। काबा दाई कुंती वाला पहचान दारी ये मोरे लड़का की के जोन समय में करण हां जन्म ली वो समय में करण के शरीर में तीन ठन चिन्हारी। काका चिन्हारी एक तो कान में कुंडल रही, दूसरा छाती में कबज रही और तीसरा गला में तीन ठन कंठ। दाई जानबारी सी चलई के हरे जिला में कुआरी अवस्था में जन्म दे हो और नंदियम बुहाए हो तुमने लड़का यही करा। जब मैं झन चर्चा करी अब करण हा राजा बन गया तो रानी जरूरी है। अमितान शादी वादी घलो कर दे थन ऐसे में यू राज कहावे और बिहार हो जाए तहन महाराज कहावे। जान के देवैया छे नहीं बढ़िया कहा थो मितान अच्छा कहा थो। लेकिन एक बात है जी लड़की कहा करण जी कहने लगे भाई एक लड़की मोले बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा अगर वो लड़की मोर घर आ जाए तो मोले सुख शांति मिल जाए। कोने तो धूम्र नाम के देश है धूम्र देश और सत्य के तू राजा के बेटी है। धूम्र देश में सत्य के तू राजा के बेटी के नाम है अंगारमती। वो कन्याला में हाँ देखे हाँ मोरे भाई बड़ा सुंदर। लेकिन हर रस ले मोरे जवाई नहीं बने ना है ना। वो जबाना में सियान मन पहली देखे
सियान मन देख के आए तब लैकल भेजे जा बाबू हमन फलाना जगह छोकरी देखे हम नानचुन गोठ है समय आगे बता देत हूँ गांव में दूझन सियनहा मन छोकरी देख के आई तुरंत कथे बाबू हमन तो पर छोकरी देख के आए हमर मन के मन आ गए जी संगवारी मला धले तहू देख के आ जा तोर मन नहीं तहने साल भर बिहाव कर देबो तब वो टूरा अपन सात आठ जन संगवारी धर के छोकरी देखेगी तब ओकरे संगवारी मन वो टूरा चेतावत है देख रहे तोर बस छोकरी देखे जा था ज्यादा मटमीट मटमीट झन कर बे और ज्यादा झन गोठिया बे गोठिया इल काबर मना करत रहा हो टूरा तोतरा रही तोतरा तोतरा संगवारी मने टूरल चेतावत है तब वो गांव के दाई माई मन वो टूरिल चेतावत है देख बेटी तोला देखे बर छोकरा मना थे नवन भजन बने करबे नाश्ता पानी बने देबे अब कहीं पूछी ही रे तो ज्यादा झनगोठिया भी टूरिल काबर चेता थे वो टूरी घलो तोतरी है ना अब टूरा माना इस ना वो लड़का करेंगे बुलाए देखी तो टूरा मन के मन आ गए मस्त है जी लड़की मस्त है जी हस्त पुष्ट तंदुरुस्त है जी इसने तो हमार गरीब घर में रोपा लगा लिया थे जी मोर तोतरी टूरी मांगी ही की के घर वाला सिया नहा कथे दादा हो एका कावरा खा लेते हो एका कावरा खा लेते हो सात आठ जन टूरा लाइन और खा बर बैठे भैया वो टूरी दौड़ दौड़ के भात ला साग ला रोटी ला चटनी ला पोरसत रहे उतके बेर भात पोर से बरात रहा थारी धर के उतके बेर एक ठन गोरा दहाले निकली छुछू छुछू गो वो छुछू वो टूरा चूपर चार के वो टूरा कथे थुथु 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 किसना टापले टूरी भात ला धर के कथे नहीं होए वो तो मुटुआ है टूरा मन कथे हमन टूरा चला थोथरा कहते हैं वी कंडीशन तो वो है तो यहाँ गुण ला नहीं दबाना चाहिए लड़की अगर कानी है ते कानी है किदे पढ़े लिखे है ते पढ़े लिखे है किदे लड़का अगर खोरवा है किदे है ना भैरा है ते भैरा है किदे अवगुण नहीं दबाना चाहिए जे अवगुण ला दबा के शादी करते वो बाद में नुकसान होते है बस सुंदर है वो अंगार मती कहना नदिया नहावत वाला देखे रे रे भाई तो वो रहते कैसे जाना था स्मितान दुर्योधन कहा थे अरे मैं हाँ परशुराम के आश्रम में पढ़ते हूँ महेंद्रगिरी पर्वत में तो वो कन्या हा श्री भंग ऋषि के आश्रम में पढ़त रही होती ले वो नहा बारा ये तिल में नहा बर जाओ तब वो कन्या लमे हा तदी ही धुन नहीं तेला पूछे बर कौन जही भीम ला भेद दो ना जा महाबली को दर भीम कहते भैया मैं नहीं जाऊं मंगनी जचनी में नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगे नहीं जाऊं मंगनी जचनी में नहीं जाऊंगा के ठिकाना नहीं है खबर ओकरे घर भर जन्म ले रहा है अब तक कैसे बताई ला मैं कुंवारी पेट में जन्म ले हूं लोग निंदर बचे दाई कुंती कथे जागा अनाथ के कोई बना देबे ना
तो भगवान ओकर भला करते। जा बेटा जा, काबर जानदा दिस मोर मोरे लइका। महावीर को दल भीम कथे दे अब ते कहा था तब मैं जावत हो कि हित गदल धरी। हाँ। अधूम्र नगर गिस धूम्र देश आओ गीत तब गांव में गीत तब ओकरा से मिलना कैसे है। पहली महू देख लेत हम कन्या ला। हाँ। मरो मा नहीं तब मांगू हर रस ले राजल जाख नहीं कहा। ऐसे कह के गांव के बहिर में बगीचा रहा बगीचा ऊंचे भी महा बैठे रहे। बगीचा में अकबा बैठे बैठे वो कन्नी धपर गए उलन गए जी बगीचा में सुते अच्छे यहाँ में। अब ऐसे सुते ही सुती ते बा कुंभकरण तो है वो रावण के भाई कुंभकरण कर घटर घटर नाख बजत थे नी धपरे है। सत्य केतु राजा के मालिन हा फूल तोड़े वर बगीचा में कहां के परदेसी धीमला जब चलना हो ना तो वो ज्यादा हाथी घोड़ा में नहीं बैठे। काबर वो एक नंबर के रंग पसंद करे। अब कतको धुनिया रहे वो कर बस दुए दंकतो मालिन कते कहां के परदेसी बगीचा में सुते है। ठापले भीम के नींद खुल गएगा मालिन ला देखी कथे दाई। देखो ना मैं धूम्र नगर के माली हूँ काय करता रोज दिन फूल तोड़ के बेटा माला बना के अंगार मतील पहना था। अब प्रसन्न हो के अंगार मती हमारा कहीं देते तो उन्हें मैं अपन जीवन अर्पण। अरे मालिन डोकरी बोलना भाई लगे गे मालिन डोकरी बोलना भैया लगे गे मालिन डोकरी प्रतिदिन ये मोर काम है फूल तोड़ना माला बनाना अवंगार मतीला पहनाना। ओ महू जा रहते दाई तुहरे घर वो चार पहर रात रहे बन मोला जगा देबे। का होई बाबा चल ना मोर घर में तो ना बहू नहीं है ना बेटा नहीं मैं ये कह जा रहा था मोर लोग लिखा नहीं वो मालिन डोकरी। हाँ भीम लाए अपन घर में ना निस। हाँ। अब नान के रोज वो मालिन डोकरी फूल तोड़े अंगार मती और सत्य के तू राजा ला माला पहना जाए वहां ले कुछ मोहर लाए वो खरे से अपन जीवन अर्पण करे। एक दिन भीम कथे दाइवो। हाँ। दाइवो खाएगा आज के माला में घू दू का आज के मालल में गुहूं दो का। मालिन कथे गुहूं देना बेटा महूलत बूतम फुर्सत नहीं ता आज के माला ला भीम हा हार बने। आज के फूल ला भीम हा हार बने इस माला बने अतका सुंदर माला बनाए रहा अंगार मती बरो मत पूछो महाराज जेला धर के जावन लागे
ओ हाला धर के हिम के गुहे हाला धर के मालिन डोकरी अंगार मछली के गला में डालिस ना खुश हो गए अंगार मछली ओहो दाई आज के मालर कौन गुहे हैं मालिन डोकरी का थे करम छाड़ दी ये जंतुरा गुहे हैं कहूँ तो हम कलंक हो जाए तब बहाने करी सहका कर रानी कुमारी मोर बेटी नतनी ना आए माला लाबो बनावे आज के हाला मोर बेटी नतनी ना है ते बनाए ए दाई ये माला यतका सुंदर है तो नथनीन कतका सुंदर हो ही माली डोकरी कथे मोर करम छाड़ बोला ये के नजारा देखाऊंगा हाय राजा बोला ये के नजारा देखाऊंगा हाय राजा बता देवे दाई हमार रानी तोला देखे भरावा थे अंगार मती तोला देखे भरावा थे की के तोर नतनी लच्छे था देवे बालिन डोकरी कथे मोर खराम छार दिस नतनी नहीं हो नाती है कावर झूठ बोलबे एक ठन झूठ ला बोलबे ना तो कई ठन झूठ में फंसबे घर में आई मालिन डोकरी कथे बेटा मोर से गलती हो गए मालल ते का गुहे भैया मोर जी काल हो गए तोर माला में अंगार मती खुश हो गए पूछी से मालल कौन गुहे के है तो मोर बेटी नतनी ना है ते गुहे की फाने मैं तो तोला देखे ला हूं के हैगा ओ का लिए चिंता मत करना दाई मैं नतनी घलो बन थो ना ता कर्रा कर्रा तो मैं चाहे ला कैसे कर मेरे साब में निपटा लेता तभी माँ भैया नतनीन बन के है ना कन्या बन के इतका सुंदर सच के बैठे है अंगार मती वहां आया है अंगार मती आओ भीम दोनों एक जगह बैठे हैं अंगार मती और भीम दोनों एक जगह बैठे हैं चर्चा चला थे कहाँ रहता था बड़ दूरी है इंद्रप्रस्थ मुर्दाई घर इंद्रप्रस्थ अंगार मती वाला पूछे थे तोर बिहार हो गया है नहीं हो है अभी दाई दादा मन इंतजार में अब बेटी मन के गोठला जानता था तोर अंगार मती के थे मोरो शादी नहीं हुई उई करा ये घनहा ना सोनितपुर में हमान दोनों जान एक साथ पढ़त लिखत रहे अंगार मती कहत वो महेंद्रगिरी पर्वत में परशुराम के आश्रम में पढ़त रहीस और मैं सिंहभंग ऋषि के आश्रम में पढ़त रहे जब ले वो लड़का ला देखे हूँ तो निश प्रतिदिन मोला ख्याल आते होकर लड़का का नाम है सुसेना सुसेना हाँ। समय में ओकर नाम सुसेना रही से ये सुसेना नाला के तीन केवट मन धरे हैं हाँ। बाद में तो ओकर नाम करण हो है गो तमहु तो लई बढ़िया छोकरा खोजे हो हाँ। ते यो बड़ सुंदर दिखी हो हाँ। सुंदर जोड़ी वो बनी का है भाई जान ओकरेजवर में आए हूँ ओकरेजवर में आए हूँ ओकर दू ठन नाव है सुसेना है उकर्ण सुसेना नाव ला केवटी नाव केवट मन रखे है उकरे घर प्रतिपाल हो है करण नाम कब हो माता पिता के पता नहीं चली सुसेना ला चीता बना के नदिया तीन में शरीर ला अग्नि स्नान करना चाहत रही भगवान सूर्य आके तपले हाथ ला धर डाली मैं थोड़ा दादा
तो दाई कहाँ है? वो समय में तोला पता चल जाही, लेकिन मैं तोर बाप मोर थे बेटा यास, आवाज बाप और बेटा के मिलन हो है, तो किरण के बेटा यास, आज के बाद तोर नाव सुसेरा नहीं। कराना नावे रखन लागे भैया का, मैं किरण हूँ, तो मोर बेटा के नाम करण, तो वही दिन ले करण नाम पड़े है। वो सुसेरा कहा था ना, ते करण करण दूठन नाम है, वो कर हमार हमन छोकरी खोजा था, तो वही मोला तोर करा भेजे है, करण तोला स्वीकार है का? अरे ऐसे गभी माँ बोला थे गम, ऐसे गभी माँ पसंद है, काबर वो कर मोर भेंट हो गया है भाई, लेकिन मोर माता पिता मोर रिश्ता लग कहीं या फीच कर दे है। तोर दाई दादा कौन ला देना चाहते? माद्रा देश के राजा शैल्य और शैल्य के बेटा सेठ के तू, मोर रिश्ता तय है। अगर वो करण मोला शादी करना चाहत हो ही, तो लेके गसे जा वो यही जाई। सेठ केतु के संग में मोर शादी हो या है, अगर करण मोर से शादी करना चाहत हो ही, फौज लेके आ जाए अंगार मती की। महाब्रिकोदर भीम धूम्र नगर से निकल के हस्तिनापुर में जाके सारी विधि ला महावीर वर करण ला बता दी। अंगार मती के संदेश ला करण ला बता दी। करण महाराज अपन फौज ला लेके अतिन, बड़े बड़े वीर बड़े बड़े योद्धा ला दे धर के धूम्र नगर में आए, तो ये दहल ले माद्र देश ले राजा शैल्य के बेटा सत्य केतु, सत केतु जिंदगी के नसीता है अपनी लंबा, दूथ नहावे जी ये धर्म, चल पुरवैया आई हां सनाना सनन, चल पुरवैया आई हां सनाना सनन,
जानकारी नहीं है कि ये मोर बड़े भैया है, ये ला जाना थे तो केवल दाई कुंती ही जाना थे। करला याद दिला दिन जी, मैं गए रहे धूम्र नगर, राजा सत्य केतु के बेटी अंगार मती तोड़ कर संदेश भेजे है। माद्र देश के राजा शैल्य के बेटा सूरत बारात लेके अवैया है। अगर तोला अंगार मती चाहिए ना तो हूँ बारात धर के जा। कन्या एक ठन बारात दू ठन मारिक पीटा हो तेला तू मन जान। तब करण महाराज अपन सारी सेना साजे हैं। दाई कुंती घलो आदेश दे दी तो हूँ मन जाओगा, काबर वो जाना थे ये मोर पहलाद। जाओ बेटा अनाथ के संग दे दो रे, जेकर कोनो नहीं रहा तेला बस्ती वाला मन संग दे थे कथे। पाचो गभाई जवना बाजो भाई चली ये पाजो गभाई जवना भाल लागे बड़े भैया धर्मराज अमन मांगनी करे बस्ती पेलना उचित नहीं है। एक काम करथन काका, यही कौन हम करा सुनना असन जगह में जंगल झाड़ी में डेरा डाल देते सबो कोई कर रुके रहते। अंगार मतिल बताए बर मैं जात हूँ, काबर मोर ओकर पहचान हो गए। जा मैं भरतिया रुकना भाल लागे जान पहचाने।
मोती ला बता देते मोर नथनी ना है की के तब मालिन दो क्रिया जाके अंगार मती ला कथे बेटी मोर नथनी ना है तान वो समझ गए नथनी नहीं होए नाती हरे की है ना काबर पहली ओकर मुलाकात हो गए अंगार मतीला बता दी सुसेरा महाराज तोला शादी करे बारा है बरतिया लेके अरे तो ये धार तो माद्रा देश ले घलो राजा सैल्यक बेटा सूरत था घलो बरतिया धर के आए अब ये धार सारी दिन चर्चा सूरत के संग में हुआ थे जाए के मोला अवसर नहीं मिला थे तब फिर हमला बनाए काबर तिही के आस मोला सुसेरा ने कर्ण महाराज पसंद है तब मैं वो बरतिया धर के तोला लेहे भराए हूँ ठीक एक बात है काबर गौरी माता के मंदिर में मैं पूजा करे बर जाऊं कहां जाऊं गौरी माता के मंदिर में पूजा करे बर जाऊं वहां करण लाते भेजी देवे करण ला अंगार मती भीमला कहीं करण ला भेज देवे मैं गौरी माता के मंदिर में पूजा करे बर जो हूँ आज भी नियम लागू है शादी पहली अपन इष्ट देव के हर प्राणी पूजा करते देखर बाद में कार्य आरंभ होते महू जो हूँ गौरी माता के मंदिर में उहे करण ला भेज देवे अंगार मती के शब्द ला सुन के महाब्रिकोदर भीम जाके करण ला कहने लगे ओ करण अंगार मती गौरी माता के मंदिर में पूजा करे बर रही रथ में बैठार बे फरहार वाह है बरतिया ते मन झंझट करी रथ ला लेके महावीर करण जी वहां बैठे रहा है ना सात सखी आगू और सात सखी पाछू चौदह सखी के बीच में अंगार मती गौरी माता के पूजन में आए देखिया मन कहते पूजा करे जावत थे थोड़े जाना थे मुढ़रिया भागत थे दाई गौरी के पूजा अर्चना करी धूम धूप अगरबत्ती जलाइन और जो मन में इच्छा रही सो इच्छा के लव वरदान में मांगी आशीर्वाद देव एले ए भैया तो आज महावीर वर सुसेना महाराज रथ लेके वहां खड़े रहिन भाई जैसे अंगार मती मंदिर ले निकली से टप ले रथ में बैठारी अब अंगार मती ला हरण करके करण महाराज सुसेरा महाराज अंग देश में आई अंग देश में अब ये धर मात्र देश ले बरतिया धर के महाराज सूरत जी आए हैं गांव में हल्ला हो गया राज्य में हल्ला हो गया धूम्र नगर में कन्या के अपहरण हो गए कन्या के अपहरण हो गए कन्या के अपहरण शैल्य जी कहने लगे एक दिन जरूर एकर में बदला लू है ना शैल्य जी कहने लगे एक दिन जरूर मैं बदला ली हम करण और वास्तविक में वो बदला ली बदला कब ली जब कौरव पांडु में लड़ाई चली तब ली
भीष्म पितामह मारे गए, द्रोणाचार्य जी मारे गए, सेनापति करण बनी तो, सेनापति करण बनी तो करण महाराज के एक सरतरी का सरतरी सबल सिंह चौहान महाभारत के दोहा में लिखे कारण समान शैल्य समान सारथी पाऊं कोटि अर्जुन मार गिरा करा करण जी किन महाराज अर्जुन एक अर्जुन ला कौन कहा मैं कोटि कोटि अर्जुन मार सकता हूँ अर्जुन में हिम्मत ताकत नहीं है जी वो कर गाड़ी चलाइया बड़ा कलंक है बड़ा होशियार है गाड़ी चलाइया अगर ओकरे जैसे मैं गाड़ी चलाइया पा जाओ तो एक अर्जुन कौन कहे कोटि अर्जुन मार तो अगर शैल्य मोर गाड़ी हाँक दी तो मौका खोजत रही शैल्य हाँ। का हो भैया मैं हाँ हाँ। काबर मोर मांगे बहुत तेना ने हाँ। ओकर बदला घलो में ले लू अब जब कर्ण के अर्जुन के लड़ाई चली कुरुक्षेत्र के मैदान में कर्ण के रथ है अचल हो गए ना हाँ। शैल्य कूद के भाग गया अब ते मरा ते बाचस के बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय तो करण के शादी अपहरण शादी है शादी तीन प्रकार के होते ऐसे कई प्रकार के हो तो भाई आप तो बड़े बड़े बुजुर्ग संत हो वो कई प्रकार के मैं नहीं जानू मैं केवल तीन प्रकार के जानता हूँ ये प्रत्यक्ष शादी है कैसे तीन प्रकार के शादी एक ठन शादी वो हरे काकी ला कक्का ला दीदी ला भाटो ला मामी ला मम्मा ला फूफू ला फूफा ला जमेला नेवता नेवत के घर में बुला ले घर में मरवा मंगरोहन गरिया दे कुरेरा कुरेरा हरदी कुचर के लगा दे हैं तो ये शादी है बिहाव है टीकावन के दिन धोती लुगरल मार दे डेढ़ डेढ़ सौ के धेतुई लुगरल मार दे बिहाव टीकावन के दिन वो टीके लाते थे दस रुपया चिल्लर करके धरे खलखल ले बाजी रे की के ये शादी है नहीं बिहाव है बिहाव जतका तोला लुगरा दे है ते उधार है अब बिहाव झड़ी तहन कर्जा छूटत ले जंजाल है आ ये शादी नहीं हो शादी एक शादी दूसरा शादी वो हरे जे पूर्व समय में ये शादी लग गंधर्व शादी कहा है आज के युग में वो का नाम बदल गए आदर्श विवाह थे पूर्व समय में वो लग गंधर्व शादी कहा है कावर कहा है लड़की के गला में लड़का माला डाल दी और लड़का के गला में लड़की माला डाल दी ये गंधर्व शादी आज के युग में आदर्श विवाह है कोन मंदिर देवाल ले गए हो गए आदर्श विवाह दूठन शादी एक ठन शादी वो हरे माला लागी सना मुंदी छोकरी छोकरा के मां नहीं ते उठ के देंगी शादी थी ते शादी के नाम है अपहरण शादी हरण शादी भगवान कृष्ण माता रुक्मणी ला नाने है तो शादी करके नहीं हरण करके रावण मंदोदरी ला नाने है तो शादी करके नहीं हरण करके मेघनाथ लोचना ला नाने है तो शादी करके नहीं हरण करके करण अंगारमती ला नाने है तो शादी करके नहीं हरण करके प्रेम स्वरूप वृंदावन बिहारी लाल की